नमस्कार साथियों, आज आप सभी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। दरअसल बुरी खबर ये है कि आईपीएल अब स्थगित हो सकता है, या फिर यूं कहें कि हो ही गया है, क्योंकि आज जब सौरभ गांगुली से ये बात पूछी गई कि आज कि अब आईपीएल का क्या होगा, क्योंकि 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि 15 अप्रैल के लिए आईपीएल को टाला गया, तो सौरभ गांगुली ने कहा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, मैं आपको क्या बताऊं कि आईपीएल को अब स्थगित करना होगा या फिर इसे हम और आगे बढ़ा सकेंगे। फिलहाल जो सूत्रों के मुताबिक खबर है वो ये है कि आईपीएल जो है वो इस बार रद्द हो जाएगा, क्योंकि 21 दिनों का लॉकडाउन जो है वो पीएम मोदी ने कर दिया है, यानी कि 16 अप्रैल तक कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता। और अगर आईपीएल की हम बात करें तो आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए टाला गया था, ये कहकर टाला गया था कि कोरोना से स्थिति जब ठीक हो जाएगी तो आईपीएल को करवाया जाएगा, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों के भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वीज़ा जो था वो 31 तारीख तक जो है वो रद्द कर दिया गया था सभी, और कहा गया था विदेशी लोग जो है वो 15 अप्रैल तक नहीं आ सकते। तो कहा गया था कि 15 अप्रैल के बाद एक डेट सुझाई जाएगी और उसके बाद फिर आईपीएल को आयोजित किया जाएगा, क्योंकि भीड़ के साथ ही आईपीएल का मजा और विदेशी खिलाड़ियों के साथ ही उसका मजा है। सौरभ गांगुली ने भी कहा था कि बिना विदेशी खिलाड़ियों के हम आईपीएल का आयोजन नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल जो माहौल है उसके चलते आईपीएल को अब रद्द कर दिया गया है, और कर नहीं दिया गया है, कह सकते हैं कि कर दिया जाएगा, माफ़ कीजिएगा। और सौरभ गांगुली से जब आज एक एजेंसी ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं आईपीएल के ऊपर, क्या आईपीएल अब रद्द हो जाएगा या फिर कुछ समय बाद होगा, तो सौरभ गांगुली ने कहा कि देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे पास कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, और मैं संशय में हूं कि हम इस बार आईपीएल को करवा पाएंगे या नहीं। आपको एक बार और जानकारी दे देते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले सभी जितने भी टीम मालिक हैं उनकी एक बैठक होनी थी, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर उस बैठक को रद्द कर दिया, क्योंकि कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ चुका था कि सभी को डर था कि अगर हम लोग मिले तो कहीं कोरोना हम लोगों के बीच ना आ जाए। और इसी के साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ टीम मालिकों का ये भी कहना है कि आईपीएल को अब रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय बचा हुआ है जिसके बाद हम अपने आप को और हमारे भारतवासियों को इससे बचा सकते हैं। और साथ ही एक टीम फ्रेंचाइजी मालिक का ये भी कहना है कि अगर अब कोरोना से हालात सुधर भी जाते हैं 16 तारीख तक, तो क्या विदेशी खिलाड़ियों के आने की अनुमति होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी के लिए आईपीएल फैंस के लिए बुरी खबर है कि आप इस बार उतना मज़ा शायद नहीं ले पाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।